नमस्ते मेरे प्रिय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल लाइफ सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, कुछ दिन पहले का वीडियो है और ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है। वीडियो देखने के बाद आप सबको पता चल ही जाएगा क्यों इतना खास है। अभी बज गए सुबह का 9। क्यों पता है फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैं वॉकिंग करते गई, मतलब वॉकिंग करने के लिए गई थी ना, कुछ फ्रेंड के साथ मैंने गप्पे लगाई, आधा घंटा कंटिन्यू गप्पे लगाई। फिर उसके बाद जैसे मैंने मोबाइल की तरफ देखा, मैं सोची अरे अभी तो बहुत लेट हो गया और गप्पे लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फटाफट मैं आ गई घर पे। तो घर पे आने के बाद मैंने देवघर अच्छा करके पोछा लगा दिया। अभी मैं आ गई घर पे झाड़ू पोछा लगाने के लिए। आज अभी तक मैंने चाय नहीं पिया, तो कुछ कुछ काम के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। तो ये सब करने के बाद मैं पहले नहा लूँगी, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। फ्रेंड्स, मैं तो एक ग्रीनी हूँ, ब्लॉग देख के अब सबको को पता चल ही जाता है। तो सुबह सुबह उठना पड़ता ही है, 4:45 बजे में उठते हूँ डेली, और रात को सोते सोते, मतलब वीडियो वगैरह एडिटिंग करके सोते सोते 11, 11:30, 12 तो बज ही जाता है। लेकिन क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा, ये मेरा ड्यूटी है और सब ड्यूटी मुझे ही करना पड़ेगा, और मैं खुशी खुशी करती हूँ। भगवान करके अगर तबीयत मेरा सही रहता है ना, तो मैं सब कर लेती हूँ अकेली। लेकिन आज मुझे और भी 2-3 एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, और एक काम है जो एक मुझे बर्थडे पार्टी में भी जाना पड़ेगा। तो घर का काम और बाहर का काम मैं अकेली कैसे संभालती हूँ, ब्लॉग देखने के बाद वो भी अब सबको पता चल ही जाएगा। मेरे दोनों बच्चे आगे स्कूल से, मैं बोली फटाफट अभी पढ़ लो, नहीं तो शाम के टाइम हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो बच्चे बैठ गए पढ़ने के लिए, और ये देखिए मेरी छोटी वाली क्या लिख रही है। मैं थोड़ा सा बोली थोड़ा सा लिख लो, और अभी फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बाहर। बाहर मेरा थोड़ा सा काम है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से अभी हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। नहीं, पतिदेव साथ नहीं जा रहे, मैं मेरे दोनों बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ बाहर। चलिए, नासिक का नज़ारा मैं आप सबको दिखाती हूँ, नासिक का नज़ारा कैसा होता है। बोल ही देती हूँ फ्रेंड्स, बाहर जा रही हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ अभी स्कूल में। आज बच्चों को स्कूल जल्दी छूट गए, क्योंकि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मेरा पतिदेव तो जा नहीं पाएगा, हर बार जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं जा रही हूँ अभी स्कूल, और स्कूल में जाते जाते इधर का नज़र में दिखा देती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना नासिक का वेदर, सही में बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे नासिक का वेदर बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ पूरा हरियाली भरा हुआ है, और इधर का जो आकाश है वो लगता है पूरा अलग टाइप का। हर टाइम बाहर जाके हम लोग घूम सकते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो भी आज का वेदर बहुत ही अच्छा है। तो स्कूल का काम मेरा हो गया, स्कूल का काम होने के बाद मैं आ रही हूँ घर के तरफ। घर के तरफ जो उस रास्ते से मैं आ रही हूँ, उसी रास्ते का नज़ारा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। दोनों तरफ पूरा हरियाली है, फूल का बगीचा है, हम लोग बोलते हैं तारा फूल। चलिए तारा फूल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए तारा फूल की खेती है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं फ्रेंड्स, आप सबको पता अगर रहेगा, किसी को भी अगर पता रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना। और ये फूल ना फ्रेंड्स सिर्फ ठंडी के मौसम में खिलता है, गर्मी में ये फूल दिखाई नहीं देता है। तो स्कूल का काम करके आ गई मैं घर पे, घर पे आके खाना वाना खा के मैं पूरा सो गई थी, और अच्छा नहीं लग रहा था। अभी शाम हो गया, दिया बत्ती लगा लिया मैंने, एक अच्छा सा ड्रेस पहन लिया, अभी मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में। ये देखिए मोए का बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में लगभग सभी आ गए, मैं सबसे लास्ट में आई, तो मेरे लिए रुके थे, बोले जल्दी से आ जाओ आंटी, केक काटना है। ये वीरा है मोए की दीदी, लेकिन इसका बर्थडे नहीं है फ्रेंड्स, मोए का बर्थडे। मोए तो तड़प रहे कब उसको केक काटना है, लेकिन अभी धीरे धीरे होगा फ्रेंड्स, सबके लिए एक टाइम होता है। और महाराष्ट्र में थोड़ा अलग पैटर्न का बर्थडे होता है। सबसे पहले दिखा देती हूँ इधर, ये दीदी क्या कह रही है, मेरी दीदी नहीं है फ्रेंड्स, मोई की दीदी है, मोई की बड़ी दीदी, कज़न सिस्टर है ये। तो बिंदी लगा, मतलब बिंदी लगाते हैं ना, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल। और खाने में क्या कहा है, वाह फ्रेंड्स खाने में आज बहुत टेस्टी वाला वही दाल बाटी चूरमा, इसका हाथ का दाल बाटी चूरमा इतना टेस्टी है मैं क्या बताऊँ। अभी जितना मेंबर आना था लगभग सभी लोग आ गए। अभी एक एक करके मोई को आशीर्वाद भी देगा, तो सबसे पहले उसकी मम्मी सबका सर पे एक एक करके कैप दिया, मुझे भी एक कैप दिया, लेकिन आप सबको दिखाई नहीं देगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो वीडियो ले रही हूँ कैप पहन के। और एक एक करके मोई को आशीर्वाद भी करेगा। केक सही में बहुत ही अच्छा हुआ है, और ये जो डेकोरेशन है ना फ्रेंड्स,
ये कॉन्टैक्ट में दिया है मेरे फ्रेंड का हस्बैंड ने, भैया ने, 2000 में पूरा डेकोरेशन भी हो जाता है, उसके साथ भी केक भी आ जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा हो भी सकते हैं, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन अश्विनी बता रही थी 2000 के अंदर ही हो जाता है। तो जो भी हो, एक एक करके मुए को आशीर्वाद दे रहे, और मुए का तो मन हो रहा है कब केक कटिंग करेंगे। ऐसे होता है बच्चे का मन। एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, बहुत कोई सोचते गृहिणी है मतलब सिर्फ घर में ही रहते हैं, घर का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। घर का भी काम पूरा करना पड़ता है और बाहर का भी काम करना पड़ता है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सब घर का बाहर का दोनों काम ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गृहिणी अगर एकदम काम ना करे ना फ्रेंड्स, तो वो घर घर नहीं रहता है, घर पूरा जंगल बन जाता है। ये बहुत लोगों को या तो पता रहेगा या तो नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरा पतिदेव को पता रह ही जाता है, क्योंकि मेरा तबीयत जब ख़राब होता है ना, तो उनका लगता है कुछ भी हो जाए मेरी बीवी का तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि घर का हालत सबसे जो बड़ी बात है, घर का हालत पूरा बेकार हो जाता है। इंसान कितना टाइम होटल में खाएगा, उसका भी एक लिमिट होता है, पैसा लगता है, लेकिन घर में मतलब घर घर ही होता है, घर का खाना भी घर का खाना का जैसा ही होता है। और अभी मेरा बारी आया मुए को आशीर्वाद देने के लिए, तो मुए मुझे बोल रहे आंटी जल्दी से करो, केक कटिंग करना है मुझे। मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, थोड़ा सा अच्छे लगे तो कमेंट्स में लिखना, ज़्यादा अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना, और जितना सारा नया फ्रेंड्स हो एक लाइक तो कर ही सकते हो आप लोग, और बहुत अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और ये बेचारा भी रो रहा है क्योंकि इसको भी केक काटना है, तो मैं बोली चलो इसको भी उधर पास में खड़े कर दो। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे एकदम पास में आ गए, मैं थोड़ा दूर से वीडियो ले रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स ये सब दिन देख के, ना मुझे खुद का बर्थडे का दिन याद आ जाता है। अभी इतना टाइम के बाद केक काटने का बारी आ गई, फिर मुए सोच रही है कब मैं केक खाऊँ। सबका केक कटिंग हो गया, मतलब जितना सारा बच्चे थे ना, वो छुरी के ऊपर सबने हाथ डाला, केक कटिंग हो गया। और अब भी अश्विनी दे रहे सबको नाश्ता, नाश्ते में बहुत कुछ है, जूस है। फिर चलिए दिखाती हूँ क्या क्या है, देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। पहले सभी बच्चे जूस ले लिया, मुझे भी एक जूस दिया, लेकिन मैं कहाँ रख के मुझे पता ही नहीं चला। जो भी हो, और ये देखिए सभी का प्लेट सज रहा है, प्लेट में है एक कचौरी केक, एक दूसरा एक छोटा सा केक, और क्या है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, और एक एक करके मिर्ची है, और उधर तो दाल बाटी चूरमा है ही। तो चलिए पहले बच्चे खा लेते, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं तो रात में पेट भर के खाऊंगी। और इधर दो बच्चे बहुत रो रहा था, तो दोनों का मम्मी ने इधर कार के अंदर दोनों को ही बिठा दिया। अभी बारी आया फोटो खींचने का, मुझे बोल ले अरे जल्दी से हम लोगों का फोटो खींच ले, एक भी फोटो नहीं उठाया। तो मेरा फ़ोटो खींचना ना फ्रेंड्स मैं भूल ही गई हड़बड़ी में, लेकिन और बाकी सबका मैंने फ़ोटो उठाया। केक खाने के बाद मैं जा रही थी मेरे घर पे, बर्थडे ख़त्म हो गया। और अभी देखिए बच्चे सब बैलून वगैरह से खेल रहे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंडिंग कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट, शुभ रात्रि फ्रेंड्स।